साथियों, आधुनिक समय में बहुत ही किसान है ऐसे हैं जो खेती से पलायन कर रहे हैं, खेती से दूर जा रहे हैं, क्योंकि खेती के अंदर हमें इतना मुनाफा नहीं हो रहा है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन हम खेती को किस तरीके से सुचारू रूप से कर सकते हैं, किस तरह से मल्टी खेती कर सकते हैं, मल्टी तरीके से हम अपनी जगह को काम में लेके किस तरीके से हम इसको काम में लेके अपने आप को आजीविका को चला सकते हैं और उसका मुनाफा कमा सकते हैं, इसके लिए हम आज आए हैं सांगानेर के मेडिकल कॉलेज के सामने उन्नत किसान। क्या नाम है साहब आपका? दुर्गालाल जी माली। दुर्गालाल जी माली के पास आए हैं। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से हम खेती में मल्टी खेती करके किस तरीके से हमें आमदनी कमा सकते हैं और खेती से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है जिसमें खेती से लोग दूर जाते जा रहे हैं। तो ये इनके 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ में इन्होंने क्या क्या लगा रखा है, इनसे जानते हैं। क्या क्या लगा रखा है आपने? एक तो फूल लगा रखी है, मक्की लगा रखी है, लगा रखी है। तो जैसा आप ये कह रहे हैं कि भाई जैसे फूल है, आने वाला समय दीपावली आने वाली है तो फूल भी इनकी खेती कर रखी है इन्होंने, भिंडी लगा रखी है सब्जी के लिए, बैंगन लगा रखे हैं, मिर्ची लगा रखी है, करेले भी लगा रखे हैं, इसके साथ ही इन्होंने मक्का भी लगा रखे हैं। अधिकतर किसान ऐसे होते हैं जो या तो केवल मक्का की खेती करते हैं या ज्वार वगैरह लगाते हैं, तो इन्होंने क्या है ज्वार भी लगा रखी है, जैसे अभी दिखाएंगे हम आपको, हाथ तिगास लगा रखी है इन्होंने। तो ये जानवरों के लिए, पशुपालन के लिए भी इन्होंने जैसे मल्टी खेती कर रखी है। तो 5 एकड़ के अंदर इन्होंने कम से कम भी 10 तरीके की फसलें उगा रखी है। तो इस तरीके से सुचारू रूप से इनका काम चल सकता है। अलग अलग समय में मान लो किसी चीज़ का भाव नहीं है तो दूसरी चीज़ से हमें भाव मिल जाएगा, तो ये जैसे आजीविका जो चलती रहेगी और ये खेती से जुड़े रहेंगे। बहुत सा किसान है जो खेती को, जमीन को बेच कर चले जाते हैं, तो ऐसे में आपको कितना मुनाफा हो जाता है साल का? मुनाफा क्या भाव मिल जाए जिसका ऊपर हो जाता है 50,000 रुपया साल में। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर अच्छी तरीके से हम खेती करें तो खेती से भागना नहीं पड़ेगा और अच्छी आमदनी हो जाएगी। अब हम आपको दिखाएंगे पूरे आपके किस तरीके से जो फसलें इन्होंने लगा रखी है वो हम आपको दिखाएंगे। तो राम राम दुर्गालाल जी, हम देख लेते हैं एक बार। एक बार तो मैं देखा कि इनकी 4 एकड़ जमीन के अंदर किस तरीके से इन्होंने सब्जियां लगा रखी है, इसके साथ ही पशुपालन के लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छी फसलें लगा रखी है। एक तो रजका है, रजके के साथ साथ ये हाथी घास है। हाथी घास अब कैसे बोई जाती है और कैसे ये काम करती है इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। यह इतना बड़ा गुच्छा बनता है, इसका पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद में कुट्टी करके इस तरीके से कटाई करके कुट्टी करके हम जानवरों को खिला सकते हैं। तो हाथी घास को कैसे अपन बुआई कर सकते हैं? ये केक लगाना पड़ता है डोड़े बना बना के ऐसे। तो कहने का मतलब आप देखते हैं भाई, जैसे गन्ने की, जो गन्ने का भी कोई बीज नहीं आता, गन्ने के पौधे को काट कर गन्ने के वो बीज को ऐसे रखना पड़ता है, आटा रखना पड़ता है, इसको भी हम ऐसे रखेंगे तो भी उग जाती है। बारिश का समय है, इनका कहने का मतलब कि बारिश का समय है इसलिए इसको हमें गाजर घास को ऐसे रखनी पड़ेगी, हाथी घास ये जैसे हाथी घास को ऐसा रखना पड़ेगा। अब जैसे ये जैसे ये पास पास में रखेंगे तो इस तरीके से बड़ा कुंचा बन जाएगा इसका कुंचा बनेगा ऐसा भारी भारी, ये देखो भारी कुंचा बनेगा। इसकी हाइट जो है कम से कम भी 15 फीट हाइट जाती है इसकी। तो कहने का मतलब कि बहुत ही कम जगह में बहुत अच्छा चारा निकल जाता है इससे, और इसकी मल्टी कटिंग होती है, बार बार कटाई होती है, काटने के बाद में फिर वापस फूट जाता है पिलाने के बाद में, कुटी करके और खचा मिला हुआ डाल घास काकला खाकला कहने मतलब सूखा जो है अपने पास भूसा उसके साथ मिला के अपन जानवरों को कुट्टी करके खिला सकते हैं दोनों साथ के। राम राम। सबसे ज्यादा जरूरी पानी, स्वच्छ पानी, मीठा पानी वो होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इनके 5 एकड़ जमीन के अंदर एक कुआ है, कुएं में शानदार अच्छा मोटर अच्छा पानी है। तो मोटर कितने HP की लगा रखी है आपने? 5 HP की है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये खेती के साथ साथ में जो एक किसान होता है, किसान दया भाव रखता है, तो ये हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने कबूतरों के लिए झूले लगा रखे हैं ताकि कबूतर अपना घोंसला बना सकें और यहाँ पर अंडे दे सकें और उनके बच्चे पैदा कर सकें। आप देख सकते हो कि इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 झूले लगा रखे हैं।
इन जिलों में आप देख सकते हो कि कबूतरों ने अंडे भी दे रखे हैं, दो एक घोंसले में दे रखे हैं और एक इधर दे रखे हैं। तो कहने मतलब कबूतरों की 7 फैमिली यहाँ पर पल सकती है। लोग बाग ऐसे होते हैं जो कबूतरों को, अंडे को या फिर जानवरों पक्षियों को भगा देते हैं या भगा देते हैं। एक किसान ही ऐसा होता है जो इनकी हम देखभाल कर सकता है, इनके लिए सोच सकता है, अच्छा सोच सकता है। और खाने के लिए दाना डालने, खाने के लिए भी ये रेगुलर रोज दाना डालते हैं, मक्की ज्वार बाजरा सब डालते सब डालते हैं। बाहर 3 बजे बचे आ जाए, सुबह 7 बजे डाला। अच्छा 7 बजे हम देखते हैं कि इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की जो मुहिम है उसका भी इन्होंने पालन कर रखा है। तो इन्होंने शौचालय यहीं पर बना रखा है। कहने का मतलब ये कि किसान जागरूक किसान का परिचय, एक जागरूक किसान जो हर अपडेट से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से खेती की जाती है, मल्टी खेती किस तरीके से की जाती है, पशुपालन कैसे होता है, साथ ही जीवों की दया का भाव भी इनके पास है और साथ साथ में आदर्श के तौर पर इन्होंने यहाँ शौचालय बना रखा है। तो एक बार पुनः हम सभी दुर्गालाल जी माली का धन्यवाद करेंगे कि इनसे किसान प्रेरित हुए और कृषि से जुड़े रहें, कृषि से भागे नहीं, हमने जमीनें बेचे नहीं और कृषि से जुड़े रहें, कृषि को आधुनिक तरीके से करें। जय जय भारत।